आपका स्वागत है क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के पार्ट 2 में। बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो कहानियों से हम क्या सीखते हैं? दोनों लोकतांत्रिक हैं, फिर भी उन्होंने सत्ता के बंटवारे के सवाल को अलग तरीके से पेश किया। बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया है कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं और हितों का सम्मान करने से ही देश की एकता संभव है। इस तरह के एहसास के कारण सत्ता साझा करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार व्यवस्था हुई। श्रीलंका हमें एक विपरीत उदाहरण दिखाता है। यह हमें दिखाता है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और सत्ता साझा करने से इनकार करता है, तो यह देश की एकता को कमजोर कर सकता है। Why power sharing is desirable? इस प्रकार शक्ति साझेदारी के पक्ष में कारणों के दो अलग अलग सेट दिए जा सकते हैं। सबसे पहले, शक्ति साझेदारी अच्छी है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। चूंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर जाता है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शक्ति साझाकरण एक अच्छा तरीका है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना अल्पकाल में एक आकर्षक विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है। अल्पसंख्यक का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए दमनकारी नहीं है, यह अक्सर बहुमत के लिए भी बर्बादी लाता है। एक दूसरा गहरा कारण है कि सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की भावना है। एक लोकतांत्रिक शासन में इसके अभ्यास से प्रभावित लोगों के साथ सामर्थ्य साझा करना शामिल है, और जिन्हें इसके प्रभावों के साथ रहना है। लोगों को यह अधिकार है कि वह किस तरह से शासित हों, इस पर विचार विमर्श किया जाए। एक वैध सरकार वह है जहां नागरिक भागीदारी के माध्यम से प्रणाली में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। आइए हम कारणों के पहले सेट को प्रूडेंशियल और दूसरे को नैतिक कहते हैं, जबकि विवेकपूर्ण कारण इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति साझाकरण से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नैतिक कारण शक्ति के बंटवारे के बहुत ही मूल्यवान होने पर जोर देते हैं। आइए अब देखते हैं खलील्स डेलिमा, यानी कि खलील की दुविधा। हमेशा की तरह विक्रम मौन व्रत के तहत मोटरसाइकिल चला रहा था और वेताल पिछली सीट पर सवार था। हमेशा की तरह बेताल ने विक्रम को गाड़ी चलाते समय जागते रहने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया। इस बार कहानी इस प्रकार है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता अलग अलग समुदायों से आए थे। उसके पिता एक रूढ़िवादी ईसाई और माता सुन्नी मुस्लिम थीं। इस आधुनिक महानगरीय शहर में यह इतना असामान्य नहीं था। विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे। विभिन्न समुदाय के लोग जो लेबनान में रहते थे, इसकी राजधानी बेरूत में रहने आए थे। वे एक साथ रहते थे, आपस में जुड़े रहते थे, फिर भी आपस में एक द्वेषपूर्ण गृह युद्ध लड़ा करते थे। खलील का एक चाचा उस युद्ध में मारा गया था।
इस गृह युद्ध के अंत में लेबनान के नेता एक साथ आए और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार देश के राष्ट्रपति को कैथोलिक ईसाइयों के मोरोनाइट संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए, प्रधानमंत्री को सुन्नी मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री का पद रूढ़िवादी ईसाई संप्रदाय और शिया मुसलमानों के लिए अध्यक्ष के लिए निर्धारित है। इस समझौते के तहत ईसाई फ्रांसीसी सुरक्षा की मांग नहीं करने के लिए सहमत हुए और मुसलमान पड़ोसी राज्य सीरिया के साथ एकीकरण नहीं करने के लिए सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमान इस समझौते पर आए तो वे आबादी में लगभग बराबर थे। दोनों पक्षों ने इस समझौते का सम्मान करना जारी रखा, हालांकि अब मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। खलील को यह प्रणाली एक बार भी पसंद नहीं है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत शीर्ष स्थान उनकी पहुंच से बाहर है। वह या तो अपने पिता का या अपनी माँ के धर्म का पालन नहीं करता है और ना ही वह यह इच्छा रखता है कि दोनों में से किसी एक के भी धर्म से वह जाना जाए। वह समझ नहीं पा रहा है कि लेबनान किसी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं हो सकता। बस एक चुनाव पकड़ो और हर किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति दो और जो भी अधिकतम वोट जीतता है वह राष्ट्रपति बने, चाहे वह किसी समुदाय से आए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जैसे दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में है? वह पूछता है। उसके बुजुर्ग जिन्होंने गृह युद्ध का खून खराबा देखा है उन्हें बताते हैं कि वर्तमान व्यवस्था शांति के लिए सबसे अच्छी गारंटी है। कहानी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वे टीवी टावर तक पहुंच गए थे जहां वे हर दिन रुकते थे। विताल ने जल्दी से घुमा फिराकर विक्रम को अपने प्रथागत प्रश्न को प्रस्तुत किया। यदि आपके पास लेबनान में नियमों को फिर से लिखने की शक्ति होती तो आप क्या करेंगे? क्या आप हर जगह माने जाने वाले नियमित नियमों को अपनाएंगे जैसा कि खलील सुझाव देता है, या पुराने से चिपके रहते हैं नियम या कुछ और करते हैं? वेताल विक्रम को उनके मूल संधि की याद दिलाना नहीं भूले। यदि आपके मन में कोई उत्तर है फिर भी आप नहीं बोलते हैं तो आपका मोबाइल फ्रीज हो जाएगा और इसलिए आप ऐसा करेंगे। क्या आप विताल को उत्तर देने में विक्रम की मदद करेंगे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के प्रकार। सत्ता बंटवारे का विचार अभिभाजित राजनीति सत्ता की धारणाओं के विरोध में उभरा है। लंबे समय से ये माना जाता था कि एक सरकार की सभी शक्ति एक व्यक्ति या एक स्थान पर स्थित व्यक्तियों के समूह में निवास करती है। यह महसूस किया गया कि यदि निर्णय लेने की शक्ति छितरी हुई है तो त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन ये धारणाएं लोकतंत्र के उभार के साथ बदल गई। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि लोग सभी राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है।
सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में सभी की आवाज़ है। इसलिए यह माना जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक नागरिकों में वितरित किया जाना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्रों में शक्ति साझाकरण व्यवस्था कई रूप ले सकता है। आइए हम कुछ सबसे सामान्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं या उनसे सामना होगा। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझा की जाती है। आइए हम इसे शक्ति का हॉरिजॉन्टल वितरण कह सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। ऐसा अलगाव ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग दूसरों की जांच करता है। इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति संतुलन कायम होता है। पिछले साल हमने अध्ययन किया कि एक लोकतंत्र में भले ही मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं, वह संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह यद्यपि न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह कार्यकारिणी या विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की कार्यप्रणाली की जांच कर सकते हैं। इस व्यवस्था को जांच और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। शक्ति को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है। पूरे देश और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के लिए एक सामान्य सरकार, पूरे देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार को आमतौर पर संघीय सरकार कहा जाता है। भारत में हम इसे केंद्र या केंद्र सरकार के रूप में संदर्भित करते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत में हम उन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। सभी देशों में इस प्रणाली का पालन नहीं किया जाता। ऐसे कई देश हैं जहां प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे देशों में जहां सरकार के विभिन्न स्तर हैं, संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को रखता है। ये उन्होंने बेल्जियम में किया था, लेकिन श्रीलंका में मना कर दिया गया था। इसे शक्ति का संघीय विभाजन कहा जाता है। इसी सिद्धांत को सरकारों के स्तर के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य सरकार से कम हो, जैसे कि नगरपालिका और पंचायत। आइए हम सरकार के उच्च और निचले स्तरों को शामिल करते हुए शक्तियों का विभाजन करें। हम अगले अध्याय में कुछ लंबाई में इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 3, शक्ति को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभाओं और प्रशासन में किया जाता है। पिछले साल हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली, असेंबली और हमारे देश की
संसद में है का अध्ययन किया था। इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न सामाजिक समूहों को सरकार और प्रशासन में जगह देने के लिए है, जो अन्यथा सरकार से अलग थलग महसूस करेंगे। इस पद्धति का उपयोग अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने के लिए किया जाता है। यूनिट सेकंड में हम सामाजिक विविधताओं को समायोजित करने के विभिन्न तरीकों को देखेंगे। नंबर 4, सत्ता साझा करने की व्यवस्था को राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों को नियंत्रित करने या सत्ता में रहने वालों को प्रभावित करने के तरीके से भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के विभिन्न दावेदारों में से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समकालीन लोकतंत्रों में ये विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप लेता है। इस तरह का प्रतियोगिता सुनिश्चित करती है कि शक्ति एक हाथ में ना रहे। लंबे समय में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है, जो विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी इस तरह का साझाकरण प्रत्यक्ष हो सकता है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाती हैं। यदि उनका गठबंधन चुना जाता है तो वे सरकार में गठबंधन बनाते हैं और इस प्रकार सत्ता साझा करते हैं। लोकतंत्र में हमें व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों और औद्योगिक श्रमिकों जैसे हित समूहों को पाते हैं। सरकारी कमेटियों में भागीदारी के माध्यम से या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव लाने के लिए सरकारी तंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। यूनिट 3 में हम राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सामाजिक आंदोलनों के कामकाज का अध्ययन करेंगे।